हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। हल्क ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ही ज़बरदस्त सीन था। इसमें हम देखते हैं कि बैकग्राउंड बिना चेंज हुए सिर्फ सेलेक्टिव कलर चेंज होता है। देखिए यहाँ, जैसे इस सीन में बैकग्राउंड भी सेम है और कपड़ों का कलर भी ओरिजिनल है, सिर्फ स्किन टोन चेंज हुआ है, वो भी सेलेक्टिव जहाँ से हम चाहें। तो ऐसा करने के लिए हम लुमेट्री कलर जो हमेशा यूज़ करते हैं उसे यूज़ नहीं करेंगे। इस बार हम यूज़ करेंगे HSL सेकेंडरी और यहाँ से हम कलर को, इसे पहले ग्रे कलर ग्रे को सिलेक्ट कर लेंगे ताकि हमें सिलेक्टेड कलर यहाँ से आसानी से दिख सके। अब हम ड्रॉपर आइकन लेंगे और यहाँ से कोई भी कलर चूज कर लेंगे, लेकिन हमें यहाँ मल्टीपल शेड्स सेलेक्ट करने हैं तो प्लस ड्रॉपर्स में एक प्लस सिंबल है, इसे सिलेक्ट करेंगे। वो सारा कलर स्कीम जिसे हम चेंज करना चाहते हैं इस तरह से मल्टीपल टाइम प्लस ड्रॉपर से सिलेक्ट कर लेंगे। अगर हम किसी कलर को हटाना चाहते हैं तो माइनस ड्रॉपर लेकर हम उसे हटा सकते हैं, लेकिन वो हमारा इतना हेडेक नहीं है क्योंकि हम बाद में इसे मास्किंग से हटाएंगे। इसके बाद हम जो कलर देना चाहते हैं, जैसे कि हल्क ट्रांसफॉर्मेशन के केस में हम इसे ग्रीन कर देंगे, और इसके लिए हम सैचुरेशन बढ़ा देंगे, ह्यू भी बढ़ा देंगे और टेम्परेचर भी फुल कर देंगे। इस तरह से हमारा ग्रीन कलर आ जाएगा। और इस तरह से हम हमारे स्किन टोन को ग्रीन करने के बाद, अब आप देख सकते हैं बैकग्राउंड में भी हमारे इस एडजस्टमेंट का फर्क पड़ा है, तो उसे हटाने के लिए हम यूज करेंगे मास्किंग। आप ऊपर देख सकते हैं जो मास्किंग है हमें हर इफेक्ट में मिलेगी। ग्रीन स्क्रीन के केस में हम ग्रीन स्क्रीन पर मास्किंग करते हैं या ओपेसिटी में मास्किंग करते हैं, इस बार हम ल्यूमेट्री कलर में मास्किंग करेंगे। तो जिस एरिया पर हम हमारा कलर इफेक्ट हटाना चाहते हैं उसे इस तरह से एंकर पॉइंट्स लगाते हुए सिलेक्ट कर लेंगे, और एंकर पॉइंट्स लगाते समय हमें इस बात का ध्यान रखना है, जैसे कि कपड़ों पर आप देख सकते हैं ग्रीन का कोई इफेक्ट नहीं है, तो आप इसे यहाँ से रफली सिलेक्ट कर सकते हैं। जहाँ जहाँ आपको ग्रीन का इम्पैक्ट दिख रहा है वो सीन अच्छे से सिलेक्ट हो जाना चाहिए, जैसे कि पीछे सोफ़ा और कुशन है उस पर ग्रीन कलर है, तो ये हमारा बैकग्राउंड सिलेक्ट हो गया। इसके बाद आप इन एंकर पॉइंट्स को एडजस्ट भी कर सकते हैं, और इन एंकर पॉइंट्स को एडजस्ट करने के बाद हम क्लिक करेंगे यहाँ से इन्वर्ट पर, और ऐसा करते ही आप देखेंगे, आप फ़र्क देख सकते हैं कुशन पे, फ़र्क देखिए, लेकिन इतना फ़र्क नहीं पड़ा। इसका मतलब हमने मल्टीपल मास्क यूज़ करे हैं। यहाँ मैं इसे स्क्रॉल करता हूँ तो नीचे देखता हूँ कि एक मास्क और भी है। तो अभी हमने जो सेटिंग की, हम ऊपर वाले मास्क से इसे सिंपली कॉपी कर लेंगे, और जो यहाँ एक और मास्क है इस पर पेस्ट कर देंगे। तो आप देख सकते हैं बैकग्राउंड बिल्कुल बैकग्राउंड, और कपड़ों पर अगर थोड़ा बहुत कलर था तो वो अच्छे से रिमूव हो गया है। एक बार फिर से रिपीट कर दूंगा, ल्यूमेट्री कलर में काम नहीं करेंगे हम, काम करेंगे HSL सेकेंडरी में, और ड्रॉपर से हम हमारी स्किन सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम करेंगे मास्किंग, और मास्किंग को इन्वर्ट करने के बाद हमारा इफेक्ट आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस यही। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप हल्क की तरह से फेस और अपनी बॉडी को डिस्टॉर्ट कैसे कर सकते हैं। हल्क ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट बनाने के लिए हमें दूसरा इफेक्ट ये भी देना होगा कि हमें हमारे करेक्टर की बॉडी को डिस्टॉर्ट करना होगा। तो हम सीखेंगे अगले ट्यूटोरियल में कि हम उसे किस तरह से अंजाम दे सकते हैं। आज के लिए बस यही। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए
जय हिंद।